देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में हम लोग आज़ादी की गौरव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं 9 अगस्त से, और उसके बाद 14 अगस्त तक लगातार पूरे प्रदेश में हम लोग पदयात्रा करेंगे। और जो आज़ादी की गौरव गाथा है कि किस तरह से हम लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने का काम किया, किन लोगों की इसमें भूमिका थी, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं इतिहास से जिस प्रकार का छेड़छाड़ हो रहा है और युवाओं को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में हम सबों का दायित्व है, चूँकि हमने देश बनाया है तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो हम लोग 9 से 14 अगस्त तक लोगों के बीच जाएंगे, पदयात्रा के माध्यम से सबको अपनी बात बताएंगे, कांग्रेस की बात बताएंगे, आज़ादी में कांग्रेस का क्या रोल रहा है वो बताएंगे, और इस यात्रा से सभी लोगों से हम लोग एक यूँ कहिए तो संपर्क भी करेंगे। 9 अगस्त को कल हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, वो सबसे पहले आदिवासी महोत्सव में भाग लेंगे, हम लोगों ने एक आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया है, उसके बाद वो सिलाईगांई जा करके पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। सभी पूरे प्रदेश में हर जगह मंत्रीगण, साथ ही साथ विधायकगण, सभी जो सम्मानित पदाधिकारी हैं प्रदेश के, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रवक्ता, जो संयोजकगण हैं, जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स थे, सभी लोग अपने अपने जिनको जो क्षेत्र निर्धारित है उसमें जा करके वो पदयात्रा की शुरुआत कराएंगे।